हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल नरजान स्ट्रेस स्टडी। माय नेम इज टॉपरोमर और आज का हमारा टॉपिक है फोर्स। क्लास 10 का चैप्टर 1 है, ये फोर्स चैप्टर है जिसकी आज हम पूरी पहली यूनिट खत्म कर देंगे। मतलब बेसिकली ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, पहला वाला पार्ट हम आज इसका खत्म कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो पढ़ाई लिखाई चल रही होगी बढ़िया, फोर्स है इस बार और पहला चैप्टर है, तो डरे वरे तो हो गई तुम लोग, है ना। चलो तो स्टार्ट करते हैं फोर्स। पहले तो जान लेते हैं फोर्स क्या होता है। अच्छा, बचपन में पढ़ा है, बचपन मतलब अभी पिछले साल में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फोर्स क्या होता है। किसी भी बॉडी में पुश या पुल, ये तो पता ही है, पुश या पुल जो होता है दैट इज नोन एज फोर्स। अच्छा, तो पुश और पुल से हमें क्या समझ में आता है कि फोर्स से होता है मोशन। भाई किसी भी चीज में आप फोर्स लगा रहे हैं तो उस पर होगा मोशन। फोर्स लगाते हैं किसी भी चीज में तो कोई ना कोई मूवमेंट होता है, मोशन कह लो मूवमेंट कह लो मोशन होता है। अब हमको पढ़ना है कि ये जो मोशन होता है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा लीनियर मोशन, या फिर इसी को बोलते हैं ट्रांसलेशनल। लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन, और सेकेंड होता है रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन हमें जो पढ़ना है, जिसकी डिटेल में स्टडी करनी है इस चैप्टर में, वो है रोटेशनल मोशन। ठीक है, चलो आप जानते हैं होते क्या है ये दोनों, लीनियर और रोटेशनल। लीनियर मतलब ही पता चल रहा है भाई, लीनियर स्ट्रेट है ना, कोई भी चीज लीनियर मोशन में यानी कि स्ट्रेट मोशन में। और रोटेशनल मतलब सर्कुलर पाथ फॉलो कर रही होगी वो, क्लियर है। लीनियर मतलब स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रही होगी, रोटेशनल मतलब सर्कुलर। अब लीनियर का मतलब क्या है, मान लो ये एक सरफेस है या एक जो भी कह लो जमीन है, जो भी है, यहाँ पे एक बॉल रखी हुई है। ठीक है, मान लो हमने यहाँ से फोर्स लगाया। फोर्स क्या करता है, मोशन यानी कि कोई भी मूवमेंट प्रोड्यूस करता है। फोर्स लगाया ये आगे बढ़ी, क्लियर है, फोर्स लगाई आगे बढ़ी। ये कैसे आगे बढ़ेगी, इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ती जाएगी यानी कि स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी। कैसा पाथ फॉलो करेगी, स्ट्रेट पाथ। ठीक, तो जब भी किसी बॉडी में हम फोर्स लगाते हैं और उस फोर्स की वजह से उसका जो मोशन है वो एक स्ट्रेट पाथ मोशन होता है, दैट इज नोन एज लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ऑन द अदर एंड इफ वी टॉक अबाउट रोटेशनल मोशन, अब मान लो यहाँ पे रखा है कोई भी एक बॉल, ले लो व्हील, ले लो व्हील होता है ना, पहिया ले लो। क्या होता है, इस पे फोर्स लगती है ये। अच्छा, जैसे बॉल चल रही है वैसे ही ये टायर भी चल रहा है या ये व्हील भी चल रहा है, लेकिन एक चीज ध्यान दो कि अगर हम इस पे फोर्स लगाएंगे तो ये किसके अराउंड रोटेट, ये तो पहली चीज रोटेट करेगा, ठीक है, और हमेशा अपने पॉइंट के अराउंड रोटेट करेगा, सेंटर के अराउंड रोटेट करेगा। ठीक है, तो ये जो एक पाथ फॉलो करेगा ये कुछ रोटेशनल मोशन कहलाएगा। एक ही तरीके से राउंड होता होता आगे जाएगा और किसके बीच में, अपने सेंटर की वजह से, बिकॉज ऑफ इट सेंटर, सेंटर में जो फोर्स लग रही होगी, पॉइंट में जो फोर्स लग रही होगी, पॉइंट ऑफ एक्शन, तो वो होगा रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन किसी भी चीज में, अब लीनियर जो है आप बॉल का एग्जांपल ले लेते हो, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो लीनियर में, तो कोई भी बुक रखी आपने उसको फोर्स लगाया वो चलने लगी, सो दैट विल बी लीनियर मोशन, तो वो चीज स्ट्रेट चलने लगेगी। लेकिन जब हम रोटेशनल की बात करेंगे तो रोटेशनल हमेशा एक पॉइंट से होगा, पिवोटेड। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पिवोटेड, इसका मतलब होता है, पिवोटेड का मतलब होता है जुड़ा हुआ, किसी एक पॉइंट में ये कनेक्टेड है, किसी एक पॉइंट में ये क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, पिवोटेड फिक्स्ड है, फिक्स्ड है, किसी भी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है। बॉल जो थी वो भी आपको देखो, मतलब एक दिमाग में सोचे तो रोटेशनल लग रहा है, लेकिन ये रोटेशनल नहीं फॉलो कर रहा है, ये एक अबाउट द एक पॉइंट एट सेंटर में नहीं, ये जो व्हील है ये पॉइंट अपने सेंटर से पिवोटेड है, तो जो पिवोटेड होगा फिर जो मोशन होगा दैट इज योर रोटेशनल मोशन, और जो नॉर्मल मोशन होगा जो स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगा दैट इज आवर लीनियर मोशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो फर्दर हमको रोटेशनल मोशन को ही कंटिन्यू करना है इस चैप्टर में। अब इसके बाद एक टर्म आता है मोमेंट या फिर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं और टॉर्क। सब एक ही बात है, मोमेंट ऑफ फोर्स कह लो, टर्निंग इफेक्ट कह लो, टॉर्क कह लो, सेम चीज है। क्या होता है ये जल्दी समझते हैं,
ये एक कोई भी बॉडी है ठीक, और यहां से ये है पाइवोटेड ठीक। इस पे आपने ऐसे कोई फोर्स लगाया, इस लाइन ऑफ एक्शन में आपने फोर्स, इस लाइन में आपने फोर्स लगाया एक्सिस में, ये पी है, ये ओ है, ये ए ठीक, ये है बॉडी। इस पे फोर्स लगाने पे होगा क्या, जब हम इस पे फोर्स, अच्छा पहले तो ये बताओ हम क्या पाइवोटेड पॉइंट पे फोर्स लगाएंगे तो क्या ये मूव करेगा? नहीं, ये मूव नहीं करेगा, पाइवोटेड पॉइंट पे फिक्स है ये कहीं। हमने यहां पे फोर्स लगाया, इसमें कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, तो वो जो ये टर्न करेगा वही होगा इसका टर्निंग इफेक्ट। इसकी जो मेजरमेंट, जो वैल्यू निकलेगी वही होगा उसका मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। क्लियर है? फिर से समझाते हैं, अब समझो होता क्या है। यहां पे हम फिर से लिख देते हैं इसको, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी। तो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स, एम ओ एफ लिखा है मैंने, मोमेंट ऑफ फोर्स, और जिसको हम लोग बोलते हैं टॉर्क ठीक। तो टर्निंग इफेक्ट क्यों होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से। टर्निंग इफेक्ट क्यों होगा? मोमेंट ऑफ फोर्स की वजह से। टर्निंग इफेक्ट होता क्या है, नॉर्मली जो टर्न कर जाए, एक फोर्स लगने पे किसी डिस्टेंस, किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे फोर्स लगने पे कोई बॉडी टर्निंग, टर्न प्रोवाइड, मतलब टर्न मोशन करेगा, टर्न होगा तो वो होगा उसका टर्निंग इफेक्ट ठीक है। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ बॉडी इज ड्यू टू द मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, या तो मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए या तो टॉर्क के लिए, इसकी वजह से होगा। अब मैम बार बार आप बोल रही है मोमेंट ऑफ फोर्स के लिए और टॉर्क के लिए, होता क्या है, तो समझो ये होता क्या है, मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, इसको निकालते कैसे, मतलब ये होता क्या है, इसकी फॉर्मूले में ही इसकी डेफिनेशन है। द मोमेंट ऑफ फोर्स, पहले तो एक्सप्लेन कर देते क्या होता है, द मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है वो होता है जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में, जितनी भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में जो भी फोर्स लग रहा होगा वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। कितना भी फोर्स लग रहा होगा उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस में फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन, दैट विल बी नोन एज फ्रॉम द लाइन ऑफ एक्शन एंड द पॉइंट, सॉरी पॉइंट ऑफ एक्शन या लाइन ऑफ एक्शन कह लो, अबाउट इट्स एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ठीक, बाहर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो लग रहा होगा वो होगा मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या हमने समझा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इन द लाइन ऑफ एक्शन। क्लियर हुआ? क्या होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट किसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का और फोर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स। बोलो क्लियर है बात, इसी को हम बोलते हैं टॉर्क, इसी को क्या बोलते हैं हम, टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। अब जानते हैं कि कंडीशंस क्या होती हैं, कंडीशंस कह लो या फैक्टर्स कह लो, दो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स कह लो, कंडीशंस कह लो, किस पर डिपेंड करेगी ये कह लो, तो दो चीजों पर डिपेंड करेगी, दो फैक्टर्स, कौन कौन से, ऑब्वियसली बात है मैम आपने अभी अभी बोला कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स होगा, तो एक तो उसके फोर्स पर डिपेंड करेगी, दूसरे इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। बोलो कोई दिक्कत, इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, अब देखो फ्रेम करके लिख लेना, इट विल डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ एक्शन अबाउट एन एक्सिस। तो ये हो गई दो चीजें जिस पे ये फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बोलो समझ में आ रहा है ना, क्लियर, एक फोर्स लगा रहे हैं वो बॉडी पे लगेगी, पाइवोटेड पॉइंट्स के मतलब एक्शन में वो रोटेट करने लगेगी, समझ रहे हो ना, ये तो एकदम छोटी सी बात है, पाइवोटेड पॉइंट यहां से ये एक्सिस पे रोटेट करने लगेगी, अपनी रोटेशनल मोशन करने लगेगा। तो बस फैक्टर्स हमने आगे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे या तो फिर फोर्स पे। अच्छा एग्जांपल से लेते हैं, एक दरवाजा है, दरवाजे को क्या, हम आप खुद से सोचो, कोई दरवाजा है, ये डोर है, फोर्स ये डोर है, ये यहां से कनेक्टेड है ना, यहां से कनेक्टेड होता है, आपने देखा होगा, हमें यहां पे इसका एक बोल दिया जाता है हैंडल। हम इस डोर को बोलो यहां से क्यों खोलते हैं, क्यों नहीं हम ऊपर से यहां से फोर्स को खोलते, यहां पे हम फोर्स अगर लगाए तो क्या होगा, फोर्स को अगर हम यहां से मतलब गेट को सोचो जहां से वो कनेक्टेड है वहां उसके पास से खोले तो हमको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। सोच के देखो या करके देखो, फोर्स
ज्यादा लगानी पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड जब हम डिस्टेंस बढ़ा देते तो यहाँ पे लगानी पड़ती, यानी कि वो फोर्स पे डिपेंड करेगी और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ऑल्सो अगर हमको बोलना है कि हमें इसका टर्निंग इफेक्ट बढ़ाना है, मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? तो क्या बोलोगे कि उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंक्रीज कर दो, है ना। डोर को जितनी दूर से पकड़ोगे उतना ज्यादा वो इजिली ओपन या क्लोज होगा, है ना। इसीलिए तो दूर दिया रहता है उसका हैंडल, बात समझ में आ रही है। हैंडल दूर इसीलिए दिया रहता है ताकि वो इजिली ओपन या क्लोज हो जाए। तो जितना परपेंडिकुलर उसका डिस्टेंस बढ़ा होगा, जितनी उसकी डिस्टेंस बढ़ी होगी, परपेंडिकुलर होता है इसके, तो जितनी डिस्टेंस बढ़ी होगी वो होगा उसका उतना ही इंक्रीज ऑफ मोमेंट ऑफ इन मोमेंट ऑफ फोर्स हो रहा होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल समझ लो, मान लो कोई स्पैनर है। स्पैनर क्या होता है, या फिर कह लो रिंच, अब समझ गए? यस मैम, रिंच तो समझ में आता है। रिंच होता है नट वर्क टाइट या डीले करने के लिए, तो वो जो होता है ये, ठीक। अब देखो इसमें भी यहाँ दूर में क्या करना होता है, कोई नट खोलना है, हम अपने हाथ से नहीं खोल पा रहे, तो हम इसका यूज करते हैं। इससे देखो क्या होता है, स्पैनर से यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी रहती है। इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के अलावा जब हम फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, देखो डिस्टेंस, अब स्पैनर में भी बगल से भी आप खोल सकते हो, यहाँ पे भी वो हैंडल कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं करते, क्योंकि जैसे ही डिस्टेंस को इंक्रीज करते हैं तुरंत हमारी फोर्स डिक्रीज हो जाती है, हमें कम ताकत लगानी पड़ती है और हमारा काम इजिली हो जाता है, ठीक है। मशीन चैप्टर में भी इसको समझाएंगे। चलो तो होप सो ये तो समझ में आ गया होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब मोमेंट ऑफ फोर्स जाना है तो इसकी यूनिट तो जाननी बनती है। मोमेंट ऑफ फोर्स होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट जल्दी जल्दी न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, तो मोमेंट ऑफ फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ये होती है इसकी एसआई यूनिट, ठीक। एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर। इसकी सीजीएस यूनिट भी इंपॉर्टेंट होती है, पता है इसकी सीजीएस यूनिट आती भी है, तो मतलब रिलेशन पूछ सकते हैं। तो जो न्यूटन होता है वो इक्वल होता है, 1 न्यूटन इक्वल होता है 10^5 डाइन, सीजीएस यूनिट 10^5 डाइन। और हमें पता है 1 मीटर तो होता है 100 सेंटीमीटर के इक्वल, तो यहाँ पर रख दो, हमें क्या करना है 1 न्यूटन मीटर, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10^5 डाइन और इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 10^2 सेंटीमीटर। तो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10^7 डाइन सेंटीमीटर। बोलो कोई प्रॉब्लम, क्या किया हमने, 1 न्यूटन 10^5 डाइन के इक्वल होता है, 1 मीटर 10^2 सेंटीमीटर के इक्वल होता है। जब दोनों का प्रोडक्ट निकाला, प्रोडक्ट निकालने पे न्यूटन मीटर जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा 10^7 डाइन सेंटीमीटर, 10^7 डाइन सेंटीमीटर। एक चीज और समझो, यहाँ पे इसको ऐसे भी कभी कभी कह सकते हैं केजीएफ मीटर में, 1 केजीएफ मीटर जो होता है वो होता है 9.8 डाइन सेंटीमीटर, ठीक। तो इसको बोल सकते हैं, और 1 जीएफ मीटर किसके इक्वल हो जाएगा, तो 980, ठीक। तो ये भी समझ लो, 1 केजीएफ मीटर 9.8 और 1 जीएफ मीटर 980 उसके इक्वल होता है न्यूटन मीटर, ठीक है। ये भी चीज समझ लो, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स हो गया, यूनिट हो गई, अब बढ़ते हैं नई चीज के ऊपर जो कि है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्या मैम, क्या बच्चों वाली चीजें बता रही है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन मतलब पिछले साल। तो देखो बहुत सीधी सी बात है भैया, क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज कहते हैं ना डिसिप्लिन वाइज रहो, मेंटेनेंस वाइज चलो, ऐसा होता है ना, बहुत बार कहते हैं इसके वाइज चलो, वाइज मतलब उसके तरीके से, क्लॉकवाइज क्लॉक के तरीके से। तो जो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव होगा वो होगा क्लॉकवाइज, जो क्लॉक की डायरेक्शन में मूव होगा वो क्लॉकवाइज, जो क्लॉक के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा वो होगा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे चलती है तो एंटी क्लॉकवाइज इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। बोलो सुनना एक बात, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो क्लॉक की डायरेक्शन में चले, एंटी क्लॉकवाइज जो उसकी उल्टी डायरेक्शन में चले। इसमें क्या जानना है आपको कि जब हम क्लॉकवाइज निकालते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर क्लॉक देखो या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि हम रोटेशन पढ़ रहे हैं, तो या तो रोटेशन मतलब सर्कुलर पाथ, तो या तो क्लॉक की डायरेक्शन में सर्कुलर पाथ फॉलो करेगी या तो एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। तो दो चीजें कंडीशन होंगी। अब अगर क्लॉकवाइज है तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो निकल के आता है, मान लो मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज, ऐसे समझो मोमेंट ऑफ फोर्स जब आपने निकाला तो वो क्लॉकवाइज है डायरेक्शन निकल, अच्छा मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या होता है वेक्टर और स्केलर, वीडियो देख लेना, पहले डाल चुके हैं,
ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, मैग्नीट्यूड मतलब बताया था उसमें वैल्यू, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, क्लॉकवाइज यानी कि वो अच्छा, तो या तो मोमेंट ऑफ फोर्स क्लॉकवाइज हो सकता है या तो एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। अगर क्लॉकवाइज है, अगर क्लॉकवाइज है तो वो होगा पॉजिटिव, सॉरी अगर क्लॉकवाइज है तो वो होगा नेगेटिव और होगा इनवर्ड्स। अगर क्लॉकवाइज है तो वो होगा नेगेटिव और इनवर्ड होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा और इनवर्ड होगा। ऑन द अदर हैंड अगर मोमेंट ऑफ फोर्स एंटी क्लॉकवाइज है तो वो होगा पॉजिटिव आउटवर्ड्स, क्लियर है, या तो वो इनवर्ड होगा या तो आउटवर्ड होगा। तो फिर से बताते हैं, पहली चीज अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही है तो कैसे रोटेट करेगी, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अच्छा डायरेक्शन क्यों हम बता रहे हैं, क्योंकि मोमेंट ऑफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन दो टाइप की होंगी, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज है तो वो नेगेटिव है, क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव है। क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज है तो इनवर्ड है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आउटवर्ड्स है। तो क्लियर हो गई ये बात। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बहुत ही अच्छा सा, ये COUPLE। ओ मैम ये फिजिक्स में आप क्या पढ़ाने लगी हैं? नहीं भैया ये वो वाला कपल नहीं है, कपल ये आप वाला कपल नहीं है, लेकिन जानेंगे इसको आप लोगों की तरीके से ही। क्या मैम आप ये क्या बातें कर रही हैं, रुक जाओ, कपल क्या होता है? अच्छा मैम नॉर्मली कपल तो जैसे मैं और मेरी वो, या मैं और मेरा वो, तो लेकिन फिजिक्स में कपल होता है टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, समझे, बात समझ में आई, दो इक्वल या फिर ऑपोजिट फोर्सेस, दो इक्वल एंड ऑपोजिट, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस फॉर्म अ कपल, ठीक। दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग या नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, not acting on the same line forms a couple, same line में नहीं follow कर रही होंगी, अलग अलग line में, ठीक है, बोलते हैं कपल। या फिर इसको एक चीज और भी बोल सकते हैं, two equal and opposite forces जो कि एक दूसरे के parallel forces होंगे, not parallel होंगे, यहाँ और यहाँ ऐसे वाले, तो दो equal और opposite, यानी कि direction देखो बदल रहा है, एक ऊपर है तो एक नीचे है, two equal and opposite forces forms a couple, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, लड़का लड़की कपल बनते हैं ना, नॉर्मली तो यही होता है, तो लड़का लड़की जैसे कपल बने, या फिर जो भी आजकल तो जैसे भी लोग बन सकते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो एक लड़का एक लड़की कपल बनते हैं, अब लड़की कैसी होती है जिसकी बहुत सारी डिमांड्स होती है, लड़का कैसा होता है जिसकी कोई डिमांड्स नहीं होती है बेचारे की। तो ऐसे ही एक क्या होता है, अलग होता है, दूसरी भी बिल्कुल अलग होती है, तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं तभी वो एक परफेक्ट कपल बनाते हैं। वाह मैम आपने क्या बात कर दी, आज ही हम जाके कर लेंगे, ये नहीं करना है हमको, ये वाला कपल पढ़ना है, इस वाले कपल में इंटरेस्ट जगाओ थोड़ा सा, इस वाले कपल में इंटरेस्ट जगाओगे तो आगे अच्छे कपल बन जाओगे, ठीक है, उस टॉपिक में नहीं जा रहे, ओके ठीक है। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन द सेम लाइन, ये भी सुन लो, सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रहे होंगे तो बनाएंगे वो कपल। कपल क्या होता है, अब एग्जांपल समझो, एग्जांपल होता है टैप, नल होता है, नल कैसा होता है, नल ऐसे करके और यहाँ पे बीच में अब जो भी बना होता है, ठीक है, ये नल होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, ऐसे इसको ऐसे पकड़ते हैं टैप को और ऐसे घुमाते हैं, टर्न करते हैं, तो एक इधर टर्न करते हैं और एक इधर टर्न करते हैं, समझ रहे हो बात को, अलग अलग तरीके से दो अलग अलग जगह पे जब वो टर्न करेगा तो वो बनाएगा कपल। की का एग्जांपल ले लो, की चाबी, ताला कैसे बोलते हो, ऐसे चाबी पकड़ते हो इस साइड, एक इधर फोर्स लगा रहे हो और एक इधर फोर्स और एक उधर, दोनों अलग अलग साइड, तो की ले लो, ठीक। बॉटल का कैप ले लो, बॉटल का कैप, कोई भी टर्निंग चीज ले लो, बॉटल का कैप या कोई भी टर्निंग चीज ले लो, या फिर स्टीयरिंग ऑफ अ व्हील, वो नहीं होता है कार चलाते टाइम, तो एक इधर से लगा रहे होते फोर्स, एक दूसरे हाथ से लगा रहे होते फोर्स, ठीक है। तो कोई भी दो इक्वल और ऑपोजिट फोर्सेस जो लगते हैं वो बनाते हैं एक कपल, क्लियर है। चलो
कपल हो गया। नेक्स्ट जानते हैं, अब पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ कपल। भाई फोर्स पढ़ा तो मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ा, तो कपल पढ़ेंगे तो मोमेंट ऑफ कपल पढ़ेंगे। कपल क्या होता है? टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन। मोमेंट ऑफ कपल क्या कहेगा? कितना बेकार मार्कर चल रहा है भाई। मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है। अब मोमेंट का जहां भी हम नाम ले रहे हैं वहां पे कोई ना कोई एक फॉर्मूला पहले आ रहा है भाई, समझ रहे हैं? मोमेंट क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला पहले हम पढ़ रहे हैं, तो सिमिलरली इसमें भी पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ कपल जो इक्वल होगा उसके लिए एक डायग्राम समझ लो भाई। अभी जो डायग्राम बना है सेम डायग्राम, देखो ऐसे ऐसे फोर्स लग रहे हैं। अच्छा, क्या आप लोग इसकी डायरेक्शन पहचान पा रहे हो? बोलो क्या इसकी डायरेक्शन पहचान पा रहे हो? बताओ इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोचो, ये फोर्स लग रहा है, ये फोर्स लग रहा है, यहाँ फोर्स लग रहा है, यानी कि ये यहाँ पे करेगा, यहाँ फोर्स लग रहा है, यहाँ पे करेगा। क्लॉक कैसे चलती है? उस डायरेक्शन में। तो ये कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा हो गया? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलो मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल। अब ये कहता है कि ईदर फोर्सेस, यानी कि ये जो दोनों फोर्सेस लग रही है, ईदर फोर्सेस कहां लिखे? ओफो, मोमेंट ऑफ कपल, ईदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों की जो फोर्स लग रही है इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर है यहां पे, बोलो सॉन्ग राइट। ईदर फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका एक एग्जांपल, एक तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। ये मान लो ओ है, तो फोर्स कितना लग रहा होगा यहाँ पे? एफ इंटू ओ ए, ये ए की बात हो रही है, अलोंग ए, मोमेंट ऑफ कपल ए की तरफ, ठीक है, मोमेंट ऑफ कपल ए की तरफ, एफ इंटू ओ ए। बी की तरफ देखें तो एफ इंटू ओ बी, और अगर ए बी पूरे में देखें तो एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी, है ना, एफ इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू, देखो F कॉमन आ गया, मोमेंट ऑफ कपल F तो कॉमन आ गया, अंदर क्या हो जाएगा? OA प्लस OB, और OA प्लस OB किसके इक्वल है? OA इतना प्लस OB इतना, AB के इक्वल है, तो F इनटू AB, ठीक। ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो आ गया, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट मोमेंट ऑफ कपल, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आई बात? क्लियर हुई? इजी है ये भी? मैम आप तो इजी बोलती जा रही है, लेकिन हमें इजी क्यों कुछ नहीं लग रहा है? लगना चाहिए यार, इजी चैप्टर है, पहला चैप्टर तो इजी होगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम क्या समझ में आ रहा है? इक्वल, इक्विलिब्रियम इक्वल। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो मान लो ये अभी हमने एक एग्जाम्पल दिया था आपको, एक बॉल वाला, ये एक बॉल है, यहां पे स्पीड एक फोर्स लग रही है और यहां पे भी मान लो एक फोर्स लग रही है, दोनों फोर्सेस लग रही है, एक यहां पे लग रही है और एक यहां पे लग रही है, ये इसका सेंटर है। दोनों फोर्सेस क्या होता है, किस साइड बॉल जाएगी? पहला केस, या तो इसका फोर्स ज्यादा हो तो इसकी साइड मूव हो जाएगी, इसका फोर्स ज्यादा है तो उसके साइड मूव हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों फोर्सेस बराबर है तब बताओ क्या हो रहा होगा? तो कहीं भी ये मूव नहीं करेगी, मूव नहीं करेगी। तो यही होता है इक्विलिब्रियम। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, और भी हो सकते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? सेवरल फोर्सेस या नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन प्रोड्यूस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। क्या लिखा है समझो, बहुत सारे फोर्सेस, नंबर ऑफ फोर्सेस, इधर टू और मोर देन टू, एक ही चीज पे अलग अलग डायरेक्शन में, मतलब एक ही पॉइंट के अक्रॉस लग रहे होंगे, तो वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो लीनियर या रोटेशनल जो भी मोशन में है
तो वो उसी मोशन में रहेगा, उसी स्टेट में रहेगा, तो वो होता है इक्विलिब्रियम। नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन, एक्टिंग ऑन अ सेम पॉइंट या सेम लाइन प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, और ऑफ मोशन, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, वो होता है इक्विलिब्रियम। मतलब कि फोर्स तो लग रही है लेकिन वो चेंज नहीं कर रहा है उसके स्टेट को, तो ये होता है इक्विलिब्रियम। क्लियर है? अब जो इक्विलिब्रियम होता है वो दो टाइप्स का होता है, या तो स्टैटिक और या तो डायनामिक, या तो स्टैटिक या तो डायनामिक। स्टैटिक मतलब पता ही होगा रेस्ट, और डायनामिक मतलब होता है मोशन। तो अगर सेवरल फोर्सेस, कैसी बता देते हैं, रेस्ट पे कहूंगा, जब सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, दैट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बहुत सारे फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं लेकिन उसकी स्टेट रेस्ट से चेंज नहीं हो रही है, तो वो हो जाएगा स्टैटिक इक्विलिब्रियम। क्या होगा? सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, देन इट इज नोन एज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल, बॉल बुक लाइंग ऑन अ टेबल, कोई भी बुक है वो एक टेबल पे रखी हुई है, कोई भी एक बुक एक टेबल पे रखी, यहां से हमने फोर्स लगाई, यहां से हमने फोर्स लगाई, क्या ये बुक खेलेगी? इक्वल फोर्सेस लग रही है यार बुक को, इक्वल फोर्स, सेवरल फोर्सेस, इक्वल फोर्सेस, सेवरल इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम थिंग, है सेम लाइन, तो क्या इसमें कोई मोशन होगा? नहीं, इट विल क्रिएट नो मोशन, और ये किस स्टेट में हो जाएगी? रेस्ट। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब बात कर लो डायनेमिक की। एरोप्लेन देखा है उड़ता हुआ? हाँ मैम, हमने देखा, हमने बाय भी किया उसको। हाँ, तो क्या होता है एरोप्लेन, मान लो एरोप्लेन चल, मतलब मान के लो चलता ही है, एरोप्लेन उड़ रहा है, एरोप्लेन स्काई में, वो गिर क्यों नहीं रहा है? देखो, क्योंकि उसका कुछ जो वेट है वो उसको नीचे को पुश कर रहा है, और जो वो उसका फोर्स लगा रहे हैं, देखो फोर्स से चल रही होगी, कुछ मशीन्स वगैरह में हम फोर्स लगा रहे हैं, वो जो फोर्स लग रहा है वो उसको ऊपर कर रहा है, उसका वेट नीचे कर रहा है, और दोनों चीजें आपस में इक्वल है। ये एरोप्लेन है। अब मैं एरोप्लेन तो बनाना मुझे नहीं आता, मैं आई डोंट नो व्हाट आई, ऐसा कुछ बनता है, हाँ ये फिश लग रही होगी, जो भी, एरोप्लेन में फोर्स जो है उसको ऊपर कर रहा है और जो उसका वेट है वो उसको नीचे कर रहा है, तो ऊपर और ये वेट उसका नीचे कर रहा होगा, ये उसका वेट होगा, ये फोर्स होगा, दोनों इक्वल होंगे तो वो एरोप्लेन इट विल नॉट फॉल डाउन, ओके, वो वैसे के वैसे मिलेगा। तो ये वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सेवरल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ सेम बॉडी या सेम लाइन प्रोड्यूसेस नो चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन फॉर्म्स अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बोलो क्लियर, क्लियर हो गई बात? अब पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की दो कंडीशन होगी, बोलो कौन कौन सी, खुद से सोचो इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी स्टेट उसी स्टेट में रहे, मतलब जिस स्टेट में उसी में रहे, रेस्ट में, तो रेस्ट में, मोशन में, तो मोशन मोशन में, तो क्या कंडीशन होगी? पहली चीज भाई, जो जो फोर्स लगा रहे हैं वो इक्वल हो जाए, पहली चीज रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, भाई या तो वो जीरो हो जाए, सारा जो सम रिजल्टेंट मतलब फाइनल जो भी, क्योंकि सेवरल फोर्स, अब दो फोर्स हम एग्जांपल लेते जा रहे हैं लेकिन कोई भी फोर्स हो सकते हैं, सेवरल फोर्स हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, लेकिन इक्वल लग रहे हो, ठीक है, तो सेवरल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू, रिजल्टेंट ऑफ सेवरल फोर्सेस शुड बी इक्वल टू जीरो, उसका जो रिजल्टेंट निकलेगा, जो रिजल्टेंट टोटल निकलेगा वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, या तो एलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस शुड बी जीरो। अब एक्टिंग ऑन अ सेम लाइन वगैरह समझ जाना, ठीक है, या तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो लग रहा हो, यानी कि फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लग रहा हो, या तो वो उसका एलजेब्रिक सम जीरो के इक्वल हो जाए, या तो उसका जो रिजल्टेंट है वो इक्वल टू जीरो हो जाए। बोलो समझ में आया? दो कंडीशन होंगी, या तो रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो, या तो एलजेब्रिक सम इक्वल टू जीरो, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है हमारी प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, लास्ट चीज है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ये क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहता है कि सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि अभी हमने बताया भाई दोनों लग रहे हैं इक्वल, तो यानी कि जो सम ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा होगा वो इक्वल होगा सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज के। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ये समझ लो बस,
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स क्या होता है, सम ऑफ क्लॉकवाइज इज इक्वल्स टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, ये प्रिंसिपल है, एक रूल है। तो क्या बोलता है वो कि जितना भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सम होगा, मूवमेंट ऑफ फोर्सेस ऑफ ऑल द सम ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। बोलो बात समझ में आई, समझ में आना चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर है, कुछ भी ज्यादा है नहीं, इसके न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके न्यूमेरिकल्स में आएंगे, ये मैं कंसाइज बुक से कर रही हूँ, सेलिना जो कि आपकी चलती है भविष्य, बहुत अच्छी बुक है, तो उसी से ज्यादातर मेन रहती है वो बुक, तो इसीलिए उसी से करवा रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वीडियो वो आएगा इसी के न्यूमेरिकल्स में, वो न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ तो खैर नहीं होते, एक बार कॉन्सेप्ट समझने की देरी होती है, टफ कोई चीज नहीं होती, तो वो चीज समझा देंगे, एक एक न्यूमेरिकल उसके करवा देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो पढ़ाई लिखाई करते रहो और वीडियो को देखते रहो। बाय, टेक केयर, कीप स्टडी।